हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के सिंधरी उपखंड क्षेत्र के भूखा भगत सिंह मेगा हाईवे पर सोमवार दोपहर को दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई। बलेरो में कुल आठ लोग सवार थे, जो बालोतरा से सिंधरी की तरफ जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रहे तेज गति व लापरवाही से ट्रक ने बलेरो को टक्कर मार दी, जिसमें बलेरो सवार दो पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई और छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिंधरी पुलिस मौके पर पहुंची एवं आसपास के लोगों के सहयोग से घायलों को सीएससी सिंधरी में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान दो महिलाओं ने भी दम तोड़ दिया। घायलों का इलाज चल रहा है। वही घटना के बाद मेगा हाईवे के दोनों तरफ भारी जाम लग गया, जिसको खुलवाने के लिए सिंधरी पुलिस जुटी हुई है। वही घटना स्थल पर बालोतरा डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अति अधीक्षक नरपत सिंह, इन्होंने ये कहा, ये भूखा भगत सिंह सिंधरी थाने के मेगा हाईवे पॉइंट है, वहाँ पे एक बोलेरो और ट्रक के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट पे हमारा एसएचओ मौके पर पहुँच गया है और वहाँ घायलों को तुरंत नजदीक अस्पताल भेजा है। इसमें दो पुरुषों की डेथ हो गई और अभी खबर ये आ रही है कि दो महिलाओं की भी डेथ हुई, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। डीवाईएसपी गुडामलानी को कहा है कि वो मौका विजिट करेंगे, एक्सीडेंट का क्या कारण है उसका हम पता लगा रहे हैं। हाँ, एसएचओ के पहुँचने के बाद में कुछ टाइम के लिए वहाँ ट्रैफिक का व्यवधान था, लेकिन उसको पहुँच के पुलिस ने उसको खुलवा दिया। वो सब चीज़ें अभी पता कर रहे हैं ना, अभी जस्ट सूचना मिली है तो हम भी उसको सीनियर अधिकारी मौके पर पहुँच के उसका पूरा डिटेल पता कर रहे हैं। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।